नमस्ते दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम कैसे अपने लिए डाइवर्सिफाइड स्टॉक का पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं ताकि हमें लॉन्ग टर्म में हाई रिटर्न मिल सके। सबसे पहले हमें समझना होगा कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो क्या होता है। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में आप अपने पैसे को अलग अलग स्टॉक और इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करते हैं और इससे आपके इन्वेस्टमेंट में रिस्क कम होता है और रिटर्न बढ़िया होता है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम अपने लिए डाइवर्सिफाइड स्टॉक का पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने इन्वेस्टमेंट गोल और रिस्क टॉलरेंस को समझना होगा। अगर आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको हाई रिस्क हाई रिटर्न स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आपको लो रिस्क और लो रिटर्न स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा स्टेप है कि आपको अलग अलग सेक्टर और इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना होगा। आपको एक सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर उस सेक्टर में कोई प्रॉब्लम आ गई तो आपके सारे शेयर्स इफेक्ट हो सकते हैं। तीसरा स्टेप है कि आपको अपने पोर्टफोलियो में ब्लू चिप स्टॉक को भी इंक्लूड करना चाहिए। ब्लू चिप स्टॉक वो कंपनी होती है जिनका फाइनेंशियल स्ट्रांग होता है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल रखती है। चौथा स्टेप है कि आपको अपने पोर्टफोलियो में इमरजेंसी मार्केट स्टॉक भी इंक्लूड करना चाहिए। इमरजेंसी मार्केट स्टॉक वो कंपनी होती है जो अभी नई है और उनके फ्यूचर में ग्रोथ पोटेंशियल रखती है। और लास्ट स्टेप है कि आपको अपने पोर्टफोलियो को रेगुलर मॉनिटर करना होगा। आपको अपने स्टॉक को परफॉर्मेंस को ट्रैक करना होगा और अगर कोई स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है तो उसे जल्द से जल्द सेल कर देना चाहिए। तो ये थे कुछ टिप जिनको आप यूज करके डाइवर्सिफाइड स्टॉक का पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई।